देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए, आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब जीरो हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है, हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबूओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है।